अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पनीर धमाकेदार। रेस्टोरेंट और होटल से भी ज़्यादा अच्छा, वो भी मेरे स्टाइल में, रोस्टेड काजू ग्रेवी बटर मसाला। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बनाने के लिए। आपने ऐसी धमाकेदार काजू रोस्टेड बटर पनीर मक्खन मसाला नहीं खाए होंगे, वैसा आज हम बनाएंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में यहाँ 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाल दिए है। इसी के अंदर छोटे छोटे पीस में कटा हुआ पनीर डाल देते हैं। तेल में डालने के बाद पनीर बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। अगर बाहर रहता है तो थोड़ा हार्ड रहता है, अगर तेल में डाल दो तो पनीर बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाता है। तो सावधानी से इसे हमें फ्राई करना होता है। अगर तेज़ी से आप इसे चम्मच से चलाएंगे तो सब बारीक बारीक यहीं पे टूट जाते हैं। तो आराम से इसे हमें फ्राई करना होता है, क्योंकि पनीर तेल में ही नरम होता है, बाकी बाहर निकालने के बाद थोड़ा कड़क हो जाता है। तो अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन करके इसे हम फ्राई कर लेते हैं पनीर को। तो पनीर हमारा फ्राई हो चुका, अब इसे हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह हमें हल्का सा फ्राई करना होता है। तो फटाफट से इसे हम निकाल लेते हैं पनीर को। तो ये हमारा 300 ग्राम जैसा पनीर था। तो यहीं पे वही तेल में हम डालेंगे 4 से 5 प्याज। खड़े हमने प्याज ले लिए और 5-6 हरे मिर्च, तीखा आपके ऊपर है, कम ज़्यादा कर सकते हो। 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 15 कली हमने लहसुन की कली ले लिए है। इसे हम थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे। तो इसी के अंदर अब हम डालेंगे 6-7 काजू। अगर आप डालना पसंद करते हो तो डाल सकते हो, वरना तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप काजू डालें। तो इसे हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं। इसी के साथ थोड़ा प्याज फ्राई हो जाने के बाद इसमें हम 2 टमाटर डाल रहे हैं। ग्रेवी में थोड़ा अच्छा खटास आ जाने के लिए हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप नहीं डालना पसंद करते हो तो भी चलेगा। तो हल्का सा इसे हम फ्राई कर लेते हैं। टमाटर को बाद में इसलिए डालें कि टमाटर के अंदर काफ़ी पानी होता है, तो तेल में बहुत पानी का छाटा उड़ता है। इसके लिए जब हल्का प्याज फ्राई हो जाए तब इसे हम डालें। अब प्याज देख सकते हो हमारा फ्राई हो चुका, अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है। तब इसे हम निकाल कर मिक्सी जार में डाल देते हैं, हल्का ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसी के अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा हमने पुदीना डाले हैं, क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट आएगा हमारे। और 2 बड़े चम्मच हम दही डाल दे रहे हैं, दही से अच्छी ग्रेवी बनेगी। इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बारीक सा हमने पेस्ट कर बना लिए है। तब चलते हैं चूल्हे की तरफ फटाफट से। प्याज फ्राई करे थे उसी तेल में हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ी दालचीनी का, 3-4 लौंग और 2 से 3 तेज़पत्ते, 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे। बटर से और भी टेस्ट आ जाएगा हमारे ग्रेवी में, पनीर ग्रेवी में, जिसमें हम बटर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप घी भी डाल सकते हो, मक्खन वगैरह डाल के बना सकते हो, ना डाले तो भी चलेगा। इसी के अंदर हम ग्रेवी जो पीस कर रखे थे मसाला वो डाल देते हैं। इससे अगर ऐसा बनाएंगे तो बहुत लाजवाब बनता है। होटल भी जाना भूल जाओगे, रेस्टोरेंट से भी लाना भूल जाओगे। अगर मेरे स्टाइल में आप घर पर अगर इस तरह बनाकर खाएंगे तो इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, तीखा आपके ऊपर है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च जीरे का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हल्का सा इसे हम भूज लेते हैं। उसके बाद इसमें हम तुर्की स्पाइसी मसाला ग्रेवी मसाला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नहीं हो तो आप कोई भी मसाला गरम मसाला ले सकते हो। तो 1 चम्मच हमने डाल दिया है तुर्की स्पाइसी गरम मसाला पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप गरम मसाले का इस्तेमाल करें, कोई अच्छी कंपनी का। तो हमने मिक्सी जार धोकर भी डाल देते, इसमें काफ़ी मसाला लगा हुआ था। अब इसे हम 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे, क्योंकि ये मसाला ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा छाटे उड़ते हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम पकाते हैं फटाफट से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाहर छाटे उड़ते हैं। आप भी देख सकते हो कि कैसा छाटे बबल आ रहे हैं। ऐसे बबल आने के बाद बहुत ज़्यादा छाटा उड़ता है। तो भूजते हुए हमें 5 से 6 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। आप देख सकते हो हमारा मसाला पक चुका है, काफ़ी तेल छोड़ दिया है। अगर इस तरह तेल छोड़ दे तो आप समझ जाए कि हमारी ग्रेवी पक चुकी है। तो अच्छे से ग्रेवी को अच्छे तरीके से हमें पकाना होता है, क्योंकि इसमें जो हमने धनिया और पुदीना डाले इसके स्मेल ना आए, इसलिए अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ पनीर रेड कर देते हैं। इतना लाजवाब बनता है ये पनीर, धमाकेदार पनीर। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आप मेहमानों को भी बनाकर खिला सकते हैं, मेहमानों भी तारीफें करते थक जाएंगे, इतनी लाजवाब बनती है। एक बार आप इसे रेसिपी को ज़रूर बनाएं, फिर उसके बाद हमें कमेंट करें, क्योंकि बहुत लाजवाब बनता है।
पनीर डालने के बाद भी हम 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट हो गए हमें पकाते हुए, काफ़ी तेल छोड़ दिया, तभी मसाले के अंदर तेल छोड़ा, तभी पनीर के अंदर तेल छोड़ दिया। पनीर डालने के बाद अगर तेल छोड़ दे तो आप समझ जाना अच्छे से पक चुका है। इसमें थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी डाल दिया, थोड़ी सी हम घर का फ्रेश क्रीम डाल दे रहे हैं, आप मार्केट वाला भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी इसमें हम हरा धनिया डाल दे रहे हैं। तो तैयार हो चुका हमारा धमाकेदार बटर काजू रोस्टेड मसाला रेसिपी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा बन गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत से बहुत पसंद आएगी, एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। तो फटाफट से इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसे मिक्स करने के बाद चलते इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे तंदूरी नान पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। आपको अब रेस्टोरेंट और होटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस रेसिपी को घर पर बना कर खाए। तो चलते हैं फटाफट से सर्व कर लेते हैं। लो आ गया हमारा धमाकेदार रोस्टेड काजू बटर पनीर ग्रेवी मसाला। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत से बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हो, देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतना लाजवाब बना है। एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें प्लीज़, बहुत लाजवाब रेसिपी है।